पंजा भील नहीं होता तो मेवाड़ नहीं होता, मेवाड़ नहीं होता तो कमलेश भाई ने बोल दिया मुगलिस्तान होता, राजस्थान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। और उस देश को बचाने वाला, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाला वीर शिरोमणि क्रांतिकारी महान योद्धा आदिवासी भील कौम का राणा पुंजा भील था, वो देश का नेता नहीं देश का क्रांतिकारी था। आज उसकी मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको 6x6 की जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमने फोटो देखी थी कांति भाई और पूरी जो हमारी टीम गई थी एक प्रस्ताव ठहराव के लिए एक छोटे से जनप्रतिनिधि से बहस कर रहे थे। कौन है भाई वो? झाबुआ जिला 244 एक के अंतर्गत आता है। यहाँ 13-3 का लागू होती है जिसको हम रूढ़िगत बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, और उसको विधि का बल प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सरपंच के पास जा रहे हैं। क्या कारण है भाई? नोट ना तुमने दिए, वोट हमने दिए। कमलेश भाई बोल के गई सही बोल रहे थे, राणा पुंजा भील ने गद्दारी नहीं की। उस समय उनने अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने बलिदान दे दिए। उनने थोड़ा आंकड़ा कम बताया, मैं बता दूं 1576 में जब आदिवासियों की फौज खड़ी हुई थी राणा पुंजा भील के नेतृत्व में, कम से कम 10,000 आदिवासी भील सैनिक थे। सारे के सारे युवा थे और युवाओं के साथ में बुजुर्ग बहन बेटियां भी लड़ रही थी। उनके पास में कोई तोप नहीं थी, उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास तीर कमान गोफन पाले हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, जो आज भी हमारे पास है। गैर आदिवासियों को वो चलाते नहीं आती है और उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि इसको घर में रखो, इसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये महाराणा प्रताप को भी बचा सकता है, ये हिंदुस्तान को भी बचा सकता है आदिवासी, तो भविष्य में हमारे समाज को भी बचाएगा, यही आदिवासी बचाएगा। कल जो नागपुर में महाअधिवेशन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो भी इसी चीज को लेकर था। हम लोग बार बार बोलते हैं मंच के माध्यम से कि समाज को बचाने वाली ये अंतिम ही पीढ़ी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि समाज के साथ क्या हो रहा है। आज मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे ही क्षेत्र में हमको आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे ही क्षेत्र में हमारे सामुदायिक भवन नहीं है। सरपंच हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, लेकिन काम किसका हो रहा है? 3% लोगों का, जिला अध्यक्ष उनका होता है, वही नचाता हमारे विधायक सांसद को, उनके बड़े बड़े बंगले। और हमारा यहाँ का आदिवासी मूल निवासी जिसकी जल जंगल जमीन है, जिसके ये पहाड़ है, जिसके इस पहाड़ के नीचे महान खनिज संपदाएं भरी हुई है, जिसके ऊपर पूरी सरकार की निगाह है, वही व्यक्ति गुजरात में महाराष्ट्र में जाके पलायन कर रहा है। जो व्यक्ति यहाँ का मालिक था वो आज मजदूर बन गया है, सब की सब बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? हम लोगों ने सब निठल लोगों को बिठा दिया विधानसभा में, लोकसभा में। वो बोलते नहीं गूंगे बहरे, वो बिल्कुल रबर स्टंप की तरह काम करते हैं, जैसा उनका आका बोलता है वही काम वहां जाकर करते हैं। वो बोले तो उठ, तो वो बोलेंगे उठेंगे, वो बोल देंगे बैठ जाओ, तो वो करते हैं बैठ जाते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी ऐसा ही हो गया, यदि किसी विधायक सांसद का फोन आ जाएगा तो फटाक से लेटर पेड जारी कर देंगे, एफआईआर भी कर देंगे, जमीन दे देंगे, अलाट कर देंगे, खदान अलाट कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जब एक गरीब आदिवासी मजदूर व्यक्ति जाता है, या सामाजिक संगठन का व्यक्ति, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी जाता है, तो वही कर्मचारी अधिकारी, वही प्रशासन का अधिकारी, या वही जनप्रतिनिधि के दबाव की वजह से काम नहीं करता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा आज, क्या कारण है भाई? एक व्यक्ति 500 किलोमीटर से आ रहा है, क्या कारण है? राजस्थान वाले या मध्य प्रदेश की धरती में आ रहे हैं, ये कोई गाने क्या? क्या कांति भाई को यह झाबुआ भामने से चुनाव लड़ना है? क्या आनंद राय जी को इंदौर से छोड़ के यहाँ आके चुनाव लड़ना है? क्या महेंद्र भाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत देश का आदिवासी एक मंच पर आ रहा है। यदि झारखंड में कोई बड़ी घटना होती है, नीमच में कोई बड़ी घटना होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, या देश के किसी भी कोने में होती है कोई बड़ी घटना आदिवासियों के खिलाफ होती है, तो वहां पर ये आदिवासी एकजुट रहेगा, एक मंच पर आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से आंदोलन नहीं करेगा, सशस्त्र आंदोलन भी करेगा। लेकिन अभी हमारे पास में, मैं बार बार बोलता हूँ, तीर कमान नहीं, तीर कमान हमारे सांकेतिक हथियार है। अभी हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश की संविधान की प्रस्तावना को मानने वाले लोग हैं। और संविधान की प्रस्तावना बोलती है, हम भारत के लोग बोलती है, उसकी सबसे पहले जो लाइन आती है वो यही बोलती है, भारत के लोग। अब हम भारत के लोग में
कोई गरीब मजदूर चमार भीम भिलाला पटिया भारेला ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं। हम भारत के लोग कब होते हैं जब इसमें सभी धर्म के लोग आ जाते हैं, सभी जात के लोग आ जाते हैं, सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। तो हम भारत को बनाने के लिए निकले, हम हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए निकले, हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा को निभाने के लिए निकले, उसको बचाने के लिए निकले हैं। और यही पीढ़ी बची है जो हमारे समाज को बचा सकती है, नहीं तो गांव में बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति उसको नहीं मालूम बेटा आरक्षण क्या है, बेटियों पर क्या होते हैं, जनप्रतिनिधित्व का आरक्षण क्या होता है, 330 क्या है, 332 क्या है, 244 क्या है। तो हमको ये जानकारी भी देना है, साथ में समाज को जागरूक करके साथ में लेकर भी चलना है, संगठित भी रखना है। छोटी छोटी चीजें छोड़ दो, कोई भील अलग हो गया, कोई भिलाला हो गया, कोई पटिया हो गया, कोई बरेला हो गया, कोई अलाना हो गया, कोई फिलाना हो गया, कोई ढिक्का हो गया, कोई नीले गमछा वाला अलग हो गया, पीले वाला अलग हो गया, सफेद वाला अलग हो गया। तुम्हारा दुश्मन तो यही चाहता है कि तुम टुकड़े टुकड़े में बढ़ के आपस में कट के मर जाओ। तो हमको ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी, संगठनवाद छोड़ना पड़ेगा, क्षेत्रवाद छोड़ना पड़ेगा, जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, उपजातिवाद छोड़ना पड़ेगा, समाज को एक मंच पे लाना पड़ेगा। एक मंच पर ये सब उठ बांध कर आपको एक बुलंद आवाज में समाज का नारा बुलंद करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे हम वो आखा एक छे, नहीं तो हम वो आखा सब एक छे। ये समझ में आ रहा है सर? हम वर्चस्वी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो देखता हूँ कोई राष्ट्रीय बन रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है, कोई प्रदेश का बन रहा है, समाज का कोई नहीं बन रहा है। सबको टेक चाहिए भैया, और सबको मंच चाहिए। तो मंच के पीछे मत भागो, जब तुम अच्छा काम करोगे तो मंच पे खुद लोग तोड़ा के जाएंगे, आपको बुला के जाएंगे। समाज के पीछे जाओ, अंतिम पंक्ति में बैठकर समाज की बात करो, काम करो, वहां से उठा के यहाँ पर लाने का काम समाज का है, आपका नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बहुत सारे वक्त है, सबको सुनना है। मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे बीच में एक अच्छे कवि है, रचनाकार है, जिन्होंने राणा पुंजा भील के बारे में, वैसे एक आदिवासी नहीं लिखते लेकिन पेशे से पटवारी है और जात के ठाकुर है, बहुत ही शानदार कविता लिखी है, वो हमारे साथ आए हैं आज। कई अच्छे पुरस्कार मिले उनको, 700-800 पुरस्कार उनकी झोली में। उन्होंने जयेश के ऊपर और राणा पुंजा भील के ऊपर बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है, उनको भी हम सुनेंगे, बाकी और अच्छे वक्ता है उनको भी सुनेंगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। धन्यवाद भाई।